हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रियूस क्रिएटिव यूनिवर्स। आज की रेसिपी है वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच, जो सबकी फेवरेट है, और ये है इसके इंग्रेडिएंट्स। वेज सैंडविच बनाने के लिए चाहिए स्लाइस्ड ककड़ी, स्लाइस्ड टमाटर, स्लाइस्ड प्याज और स्लाइस्ड आलू, वाइट सैंडविच ब्रेड, टोमेटो सॉस, चीज़ क्यूब, पुदीना चटनी और बटर। ये मैंने मेल्ट करके लिया है। बटर मेल्ट करने से ये हम कम्प्लीटली ब्रेड को इजीली लगा सकते हैं। इसके बाद इस पर लगानी है पुदीना की चटनी। नाइफ़ का यूज़ करने से इजीली ब्रेड पर लगा सकते हैं। इसके बाद नाइफ से टमाटो सॉस ब्रेड पर लगाना है। सेकेंड ब्रेड लेकर भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले बटर, देन पुदीना की चटनी, उसके बाद टमाटो सॉस। अभी ये दोनों ब्रेड पर लगा के रेडी है। एक ब्रेड पर ककड़ी, टमाटो, प्याज और आलू के स्लाइस रखने हैं, मतलब ऐसे वन बाय वन स्टैक करने हैं। आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो भी आप ज़्यादा स्टैक कर सकते हैं। स्टैक करने के बाद इस पे थोड़ा सा नमक ऐड करना है, ताकि ये अंदर से भी टेस्टी हो जाए। और अभी इस पर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। आपको जितना चाहिए उतना चीज़ ऐड कर सकते हो। इसके बाद इस पर सेकेंड ब्रेड जो हमने रेडी किया था वो अभी उस पे रखना है, और ऊपर से थोड़ा प्रेस करना है। एक सैंडविच तो बनकर रेडी है, लेकिन अभी सेकेंड सैंडविच बना रही हूँ। बन गए दो सैंडविच। ऑफ कोर्स सैंडविच बनाने के लिए सैंडविच मेकर तो चाहिए ही, तो सबसे पहले सैंडविच मेकर को अंदर से थोड़ा सा बटर लगाना है और उसमें दोनों सैंडविच रख देने हैं। ग्रिल्ड सैंडविच की प्लेट यूज़ की है यहाँ पे, तो ये ग्रिल्ड सैंडविच बनके रेडी होगा। ऊपर से मैं थोड़ा बटर ऐड कर रही हूँ, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और ये बंद करना है। इसमें दो लाइट्स दिखती है, एक रेड और एक ग्रीन। रेड मतलब ये इन प्रोग्रेस है, और ये जब बन के रेडी हो जाएगा तो ग्रीन लाइट लग जाती है। सैंडविच रेडी हो गए। इसे अभी चार पीसेस में कट कर लेती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा चीज़। ये जैसे दिखने में टेस्टी लग रहा है, वैसे खाने में भी ये टेस्टी है। ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।